क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल. बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी. फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी. तो हमारे पास क्या गिवन है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, राइट, जिनकी जो रेडियस है 13 और 8 सेंटीमीटर है. तो यहाँ हमने टू सर्कल्स ली. सपोज ओ जो है इसका सेंटर है दोनों सर्कल्स का. स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो 8 है और बिगर की है 13. ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल. तो यहाँ हम एक डायमीटर ड्रॉ करने वाले हैं ए बी. ए बी जो है डायमीटर है बिगर सर्कल का. बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल. तो यहाँ इसी बी पॉइंट से आपको स्मॉलर सर्कल की एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है. तो जो ये बी से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो स्मॉलर सर्कल को डी पर टच कर रही है. तो फाइंड द लेंथ ए डी. तो हमें लेंथ फाइंड करनी है. ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आया है डी, तो हमें इसी डी पॉइंट से पहले ए को ज्वाइन करना है. ये लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है ए डी, राइट. तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे. तो पहले तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है. इस बी डी को आगे एक्सटेंड करो और ये बिगर सर्कल को ई पे इंटरसेक्ट करेगी. ज्वाइन ए ई एंड ड्रॉ दिस, राइट. अब देखो ये होगा 90 डिग्री. तो पहले तो इसमें आप क्या लिखने वाले हो, प्रोड्यूस बी डी टू मीट द बिगर सर्कल एट ई. ज्वाइन ए ई. अब देखो ये जो एंगल है ए ई बी, ये भी हमारे पास 90 डिग्री हुआ. क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल में एंगल बन गया. तो एंगल है सेमी सर्कल, इस वजह से ही हमारे पास 90 हुआ. ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल. बी डी बी ई जो है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की, राइट. और ओ से डी पे जो हमने ज्वाइन किया है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है. ऑल्सो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी ई. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट. तो देखो यहाँ भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास इक्वल आ गए. तो ओ डी इज पैरेलल टू ए ई, राइट. तो अब देखो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं. और इसके अलावा हमारे पास है कि जो ये डी पॉइंट है, बी ई जो है वो बिगर सर्कल की कोर्ड है. और जब हम सेंटर से किसी कोर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसे बाइसेक्ट करता है, राइट. तो यहां पर हम लिखने वाले हैं बी डी इज इक्वल टू डी ई. इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, बी ई इज कॉर्ड एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी ई, देयरफॉर इट विल बाइसेक्ट बी ई. तो अब हम यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं कि ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, ओ डी और ए ई, और डी जो है वो मिड पॉइंट है. ऑल्सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि ए बी डायमीटर है और सेंटर है. तो इससे हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई बी, राइट. इन ट्रायंगल ए ई बी ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज मिड पॉइंट of BE. Therefore, by midpoint theorem, OD is half of AE and OD is parallel to AE. ये हम already prove कर चुके हैं. अगर आप midpoint theorem apply नहीं करना चाहते हो तो हम ये दो लाइंस जो हैं साइड्स जो हैं पैरेलल ड्रॉ कर ही चुके हैं, तो आप सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं.
कि ट्रायंगल ओ डी बी एंड ए ई बी दोनों सिमिलर होंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल से भी हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास ओ डी इज हाफ ऑफ ए ई आ चुकी है और हमारे पास ओ डी की लेंथ है, ओ डी क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ डी इज 8 हाफ ऑफ ए ई, तो यहां से ए ई की जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई 16 सेंटीमीटर, ए ई इज 16 सेंटीमीटर। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास पूरी ए बी है, ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रेटर सर्कल है, जो बिगर सर्कल है उसका डायमीटर है, उसकी रेडियस हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगी 26 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ए ई बी, ए ई बी में हमारे पास 16 है 26 है, तो हम बी ई फाइंड कर सकते हैं। बी ई हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर बी ई आने के बाद हमारे पास उसका हाफ आ जाएगा डी ई, देन हम ए ई डी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करके फाइंड कर लेंगे ए डी। राइट, नाउ इन ट्राइंगल ए ई बी, AB square is equals to AE square plus BE square. AB है 26 square, AE 16 square plus BE square 26 square 676 और 16 का square 256 है। राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 420, तो BE is equal to under root of 420. 420 can be written as 4 into 105. So that will be equal to 2 times of 105 centimeter. Right? BE हमारे पास complete जो है वो 2 times of 105 आ गया। अब हमें ये पता है कि जो D है वो mid point है, तो ये इस point पे ही ये दोनों half half हो जाएंगे, तो ये भी 105 रहेगी और ये भी 105 आ जाएगी। अब हमें जरूरत किसकी है, हमें ए डी फाइंड करना है, तो हम ए ई डी ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट, इसके अलावा अगर आप ए ई बी में नहीं लगाना चाहते तो आप इस ट्राइंगल से भी फाइंड कर सकते हो, ओ डी बी से भी हम जो बी डी है वो फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ओ बी भी है और ओ डी भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ए ई डी में हम अप्लाई करने वाले पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ई डी। राइट, तो हमारे पास क्या है, ए डी हमें फाइंड करना है, ए डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं, ए ई हमारे पास था 16 और ए डी हमें फाइंड किया अभी 105 अंडर द रूट, तो 16 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 256 और ये हो गया 105, ये हो गया हमारे पास 361 ए डी स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू अंडर द रूट 361, दैट इज 19 सेंटीमीटर। That is our answer. Thank you.